सभी को नमस्कार। आज हम लागत लेखांकन में पहला अध्याय शुरू करेंगे। लागत लेखांकन एक परिचय। लागत लेखांकन प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागत में कमी लाने के लिए, ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिका जा सके, ये आवश्यकता महसूस हुई कि ना केवल लागतों का लेखा किया जाए, जो कि वित्तीय लेखांकन के माध्यम से किया जाता है, बल्कि लागत पर नियंत्रण करने का भी प्रयास किया जाना आवश्यक है, क्योंकि लागत पर नियंत्रण करने से न्यूनतम लागत पर माल बेचना संभव हो पाता है। भारत में लागत लेखांकन से संबंधित इंस्टीट्यूट द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, जिसे ICAI के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। चूँकि लागत लेखांकन की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि वित्तीय लेखांकन की कुछ सीमाएं थी। वित्तीय लेखांकन एक सीमा तक ही प्रबंधकों की आवश्यकता को पूर्ण कर सकता था। कुछ ऐसी कमियां थी वित्तीय लेखांकन में, जिनके कारण लागत लेखांकन अनिवार्य हो गया। इसका अध्ययन हम करेंगे, वित्तीय लेखांकन की सीमाएं एवं कमियां, इस शीर्षक के अंतर्गत। इसमें पहला बिंदु है पूर्ण सूचनाओं का अभाव। संस्था का कुल लाभ और हानि तो वित्तीय लेखों से ज्ञात हो जाती है, लेकिन विभिन्न उत्पादों या विभागों से प्राप्त लाभ की जानकारी वित्तीय लेखों से नहीं होने के कारण इन उत्पादों या विभागों की कार्यकुशलता की जानकारी भी प्राप्त नहीं हो पाती है। और इससे ऐसे उत्पाद या विभाग जो लाभ नहीं दे रहे हैं या जिनकी लाभदायकता की मात्रा कम है, उनको में सुधार करना या उन्हें बंद करने का निर्णय लेना असंभव हो जाता है। अगला बिंदु है विभिन्न लागतों की जानकारी का अभाव। संपूर्ण व्यय की जानकारी तो वित्तीय लेखों से मिल जाती है, लेकिन विभिन्न उत्पादों से संबंधित व्यय की जानकारी नहीं होने से किसी विशेष उत्पाद के संबंध में निर्णय लेना संभव नहीं हो पाता है। तीसरा बिंदु है प्रबंधकों पर उत्तरदायित्व का अभाव। किसी विभाग की कार्यकुशलता में कमी या हानि और सामग्री, श्रम या उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय की सूचनाओं के उपलब्ध न होने से प्रबंधकों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता। और ऐसी स्थिति में जो प्रबंधक सही प्रकार काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी कार्यकुशलता कम है, उनको जिम्मेदार ठहराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चौथा बिंदु है विक्रय मूल्य निर्धारण में सहायता का अभाव। उत्पादन व्ययों का स्थायी व परिवर्तनशील व्ययों में या प्रकृति के आधार पर उत्पादन, प्रशासन व विक्रय व्ययों में वर्गीकरण नहीं होने से मंदी काल में हानि न्यूनतम करने के लिए स्थायी व्ययों की पूर्ति करने हेतु विक्रय मूल्य निर्धारण वित्तीय लेखांकन द्वारा संभव नहीं है। सामान्य परिस्थिति में भी व्ययों का वर्गीकरण नहीं होने से लाभप्रद विक्रय मूल्य निर्धारण में कठिनाई होती है। अगला बिंदु है वास्तविक एवं अनुमानित लागत की तुलना असंभव। वित्तीय लेखों से वर्ष के अंत में ही समंक
या डाटा प्राप्त हो पाते हैं, जबकि प्रबंधकों को साल के मध्य में भी कुछ निर्णयों के लिए संबंधित उत्पादों की लागत की जानकारी होना आवश्यक है। इस हेतु लागत लेखांकन के माध्यम से लागत का अनुमान लगाना और लागत नियंत्रण करना वर्ष के मध्य में भी संभव हो पाता है। इसलिए वित्तीय लेखांकन वास्तविक और अनुमानित लागत की तुलना वर्ष के मध्य में करने में असफल सिद्ध होता है। अगला बिंदु है लाभ हानि में कमी या वृद्धि के वास्तविक कारण का होना असंभव। व्ययों का वर्गीकरण नहीं होने से अकुशल श्रम, खराब सामग्री या अकार्यकुशल मशीन आदि के निष्क्रिय रहने से जो हानि होती है उसकी सूचना वित्तीय लेखों से उपलब्ध नहीं हो पाती है, और इससे जो हानि होने होती है उसको नियंत्रित करना संभव नहीं हो पाता है। सातवां बिंदु है लक्ष्यों का पूर्ण निर्धारण असंभव। उत्पादन लागत के तत्वों का विश्लेषण वित्तीय लेखों द्वारा नहीं हो पाने से भावी योजनाएं और लक्ष्यों का पूर्ण निर्धारण नहीं किया जा सकता। आठवां बिंदु है आवश्यक निर्णय लेने में कठिनाई। अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु निर्णय लेने के लिए वित्तीय लेखों से आवश्यक सूचना प्राप्त नहीं होने से प्रबंधकों को निर्णय संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अंतिम बिंदु निविदा मूल्य निर्धारण में कठिनाई। उत्पादन लागत का शुद्धता से अनुमान लगाना वित्तीय लेखों से संभव नहीं हो पाता है, और इस कारण निविदा मूल्य का अनुमान लगाना भी संभव नहीं हो पाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है लागत लेखांकन की परिभाषा। लागत लेखांकन की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्था है CIMA इंग्लैंड, उसने लागत लेखांकन की परिभाषा दी है। वो है लागत लेखांकन लागत के लिए लेखा करने की एक प्रक्रिया है जो आय तथा व्यय या उन आधारों के जिस पर इसकी गणना की जाती है अभिलेखन से प्रारंभ होती है और सांख्यिकी समकों के तैयार होने के साथ समाप्त हो जाती है। इसका मतलब यह है कि पहले तो आय और व्ययों का वर्गीकरण किया जाता है लागत का लेखा करने के लिए, और उन उस वर्गीकरण के आधार पर लागत की गणना की जाती है। और इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले तो लागतों का जो वर्गीकरण किया गया उनका लेखा वर्गीकरण के अनुसार किया जाता है, फिर उस लेखे से जो सूचना है उनका विश्लेषण करने से जो डाटा तैयार होते हैं वो डाटा प्रबंधकों को उपलब्ध करवाने के साथ ही लागत लेखांकन का कार्य समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अगला बिंदु लागत लेखांकन के उद्देश्य। लागत लेखांकन का पहला उद्देश्य लागत ज्ञात करना। किसी वस्तु या सेवा की कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत और लागत का समुचित विश्लेषण व वर्गीकरण करना लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा बिंदु है लागत पर नियंत्रण रखना। प्रत्येक विभाग के कार्यकुशलता का तुलनात्मक अध्ययन करके अपव्यय, हानि या क्षति का पता लगाकर उत्पादन व प्रबंध के दोषों को दूर करके लागत में कमी लाने का इस प्रकार प्रयास करना चाहिए
ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके और उस उद्देश्य की पूर्ति में लागत लेखांकन काफ़ी हद तक सहायता प्रदान करता है। तीसरा बिंदु है निविदा मूल्य में का निर्धारण करना। उत्पादन लागत ज्ञात करके ही निविदा मूल्य का अनुमान लगाना संभव है, साथ ही निविदा मूल्य में किस सीमा तक कमी या वृद्धि संभव है इसकी जानकारी भी उत्पादन लागत ज्ञात करके ही प्राप्त की जा सकती है। अगला बिंदु है नीति निर्धारण हेतु आधार प्रदान करना। लागत संबंधी ऐसी सूचनाएं प्रदान करना ताकि भावी व्यावसायिक नीति निर्धारित की जा सके, जैसे नए संयंत्र की स्थापना करना या उस संयंत्र को रिप्लेस करना, किसी विभाग या प्रक्रिया को बंद करना, किसी वस्तु का निर्माण करना या बाजार से क्रय करना, ये सभी लागत लेखांकन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। पांचवा बिंदु है वित्तीय एवं अन्य विवरणों के बनाने में सहायता प्रदान करना। वित्तीय लेखों से वर्ष के अंत में ही विवरण तैयार हो पाते हैं, लेकिन वर्ष के मध्य में प्रबंधकों को आवश्यक वित्तीय और अन्य विवरण प्रदान करने के लिए लागत लेखे ही सहायता प्रदान करने में सक्षम है। अंतिम बिंदु है वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति। केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कई उद्योगों के लिए लागत लेखे रखना अनिवार्य करने से वैधानिक आवश्यकता पूरा करने के लिए लागत लेखे रखना आवश्यक है।